एक तरफ जहां पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्से भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं देश के कई हिस्सों में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। भीषण गर्मी से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से उत्तर भारत के कई इलाकों में फसलें खराब हो रही हैं। अगर इसी तरह धूप रहा तो जरई डालने में, धान का बिया डालने में लेट होगा। जब लेट होगा उसके बाद तब फिर फसल भी लेट होगी, तब पैदावार में भी कमी आ जाएगी। इतनी प्रचंड धूप है कि ज्यादा दिक्कत हो रहा है काम करने में। सूरज की तपिश तो इनकी फसलों को खराब कर रही है, साथ ही डीजल की महंगाई की वजह से किसानों के ट्यूबवेल भी बंद पड़े हैं। डीजल प्रतिदिन 1 रुपया 1.5 रुपया 50 पैसा रोज बढ़ रहा है। हम लोग काफी दिक्कत है, डीजल से परेशानी है और मौसम साथ में दे रहा है। इतनी गर्मी, भीषण गर्मी, हर तरफ देखिए ना, सूखा ही सूखा है। एक तो हमारे यहाँ पानी का स्रोत भी हुई है और दूसरे कारण डीजल की इतनी बढ़ोतरी हो गई कि कहाँ से हम लोग अपने दमकलों से पानी चलाया जाए। इसके लिए बहुत समस्या हो रही है ना खेती बाड़ी करने के लिए। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। सब्जी हो या मक्के की खेती, भीषण गर्मी और पानी के अभाव में सारी की सारी पैदावार खराब हो रही है। किसान चिंता में है क्योंकि इससे उन्हें अपनी फसल के पूरे पैसे भी नहीं मिल पाएंगे और इस भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने का कोई आसार भी नजर नहीं आ रहा। गो न्यूज़ ब्यूरो।